क्या आप 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर दहाड़ने वाली पहली महिला शिक्षिका को जानते हैं, जिनका नाम था सावित्री बाई फूले, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उनके पति ज्योतिराव फूले से उन्होंने दलित चिंतक समाज सुधारक के विषय पर पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादी वीडियो को तोड़ने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष किया। तो चलिए आज के इस विषय में जानते हैं कैसे अंधविश्वास और रूढ़िवादी लोगों से उन्होंने अपने जीवन के बारे में किस तरह संघर्ष किया और अपनी मंजिल पाई। सावित्रीबाई फूले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। महज 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ कर दिया गया, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। जिस समय वो पढ़ने का सपना देख रही थी, तब दलितों के साथ बहुत भेदभाव होता था। ऐसे ही एक दिन सावित्री इंग्लिश के बुक के कुछ पन्नों को पलट रही थी, तभी उनके पिताजी ने देख लिया। वो तभी दौड़कर आए और बुक को छीनते हुए बाहर फेंक देते हैं। सिर्फ इसके पीछे का रीजन था कि शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही है, दलित और महिलाओं को तो शिक्षा ग्रहण करना भी पाप माना जाता था। तो बस वही दिन था जिसने उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उन्हें अब कुछ भी हो जाए, वो एक ना एक दिन पढ़ना जरूर सीखेंगी। वो लगन जो उनके अंदर थी, उसने उन्हें सभी से संघर्ष करने का हौसला दिया। और एक दिन उन्होंने खुद पढ़कर अपने पति ज्योतिबा राव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहला बालिका स्कूल की स्थापना की गई थी। वहीं 18वां स्कूल पुणे में खोला गया था। बहुत लोग बताते हैं कि वो दौर था कि सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे, लेकिन सावित्रीबाई ने भी ठान रखी थी और उन्होंने उसी दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ाना लिखाना सही नहीं माना जाता था। इसके बाद 10 मार्च 1897 में प्लेग के मरीजों की देखभाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनका पूरा जीवन काल महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। इन महान अध्यापिका और समाज सुधारक के लिए एक लाइक जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।